हमारे गांव शहर में रमज़ानुल मुबारक से लेकर के आज तक ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। ये रहमी मस्जिद के सामने का पट्टा है जहां कुछ दरख्त तो लगे हुए हैं। हम लोग थोड़ी दूर चलने के बाद बिल्कुल परेशान हो गए और चंद झाड़ मिले जिसके नीचे हम खड़े हो कर के सुकून की सांस ले रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और दिल से दुआ निकल रही है कि जिन लोगों ने दरख्त तो लगाया है अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मालेगांव शहर की आवाम की हालत ऐसे हो गई है जैसे कि हम अपने बचपन में किताब के अंदर कहानी पढ़ा करते थे बंदर की। जब बारिश आती थी जब वो उधम मचाता था कि बारिश ख़त्म होने के बाद हम ताबड़तोड़ में मेरा घर बना लूँगा। हम उस बंदर की भी जद में नहीं आते हैं, उसने तो कहीं ना कहीं अपना घोंसला घर बना लिया होगा। लेकिन मालेगांव शहर की बासहूर आवाम कब ऐसे दरख्त तो लगाएंगी जो मासूम बच्चों को, राहगीरों को, लोगों को राहत मिल सके। अतिक्रमण करने में तो आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। रोड 10-10, 20-20 फीट अंदर ले लेते हो, गटरे घरों में ले लेते हो। अल्लाह के बंदो, दरख्त तो लगाइए, शहर में दरख्त तो लगाइए, इसकी ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, मुसाफिरों को, बाहर निकलने वाली पर्दा नशीन माँ बहनों को, जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ खड़े होकर दुआ दे रहे हैं, न जाने कितने लोग यहाँ दुआ देते होंगे, इसी तरीके से आप भी दरख्त लगाओ और नेकी कमाओ।